get on together. हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। लंदन की सड़कों पर सोनम आनंद। सोनम कपूर और आनंद आहूजा इन दिनों लंदन में वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। हाल ही में सोनम और आनंद की एक तस्वीर सोशल साइट पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें दोनों सैर सपाटा करते हुए नजर आ रहे हैं। सोनम आनंद को गले लगाकर रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं। करनी सेना करेगी प्रियंका का विरोध। क्वांटिको विवाद पर माफी मांगने के बाद भी प्रियंका चोपड़ा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। करनी सेना ने कहा है कि वो या तो तुरंत क्वांटिको सीरियल को छोड़ दे, नहीं तो करनी सेना इसका विरोध करेगी। विश्वरूपम 2 का ट्रेलर लॉन्च। भारत में सलमान के छोटे भाई शशांक। फिल्म भारत में शशांक करोड़ और सलमान के भाई का रोल निभाने जा रहे हैं। शशांक फिल्म मंटो में भी एक अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। वहीं अब सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करना उनके लिए एक बड़ी बात होगी। बच्चे के लिए शादी करेंगी आलिया। आलिया भट्ट कहती हैं कि वो बच्चों के कारण ही शादी करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनके बच्चे हों, तो जब भी उन्हें लगेगा कि उनके बच्चे होने चाहिए, वो उस समय शादी कर लेंगी। प्यार में पागल लैला मजनू। लैला मजनू के नाम से बन रही फिल्म का टीजर रिलीज हो गया। इस फिल्म को इम्तियाज अली के भाई साजिद अली डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में लैला मजनू की कहानी को नए तरीके से दिखाया जाएगा। रामगोपाल वर्मा फैलाएंगे वायरस। फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा ने अपनी अगली फिल्म वायरस की घोषणा की। वर्मा ने ट्वीट किया, मेरी अगली फिल्म का शीर्षक वायरस है और इसके निर्माता पराग संघवी होंगे। जीरो के स्पेशल इफेक्ट्स के लिए करोड़ों रुपए। फिल्म जीरो शाहरुख खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस फिल्म में वो एक बौने शख्स का किरदार निभा रहे हैं। सिर्फ VFX पर 70 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। फिल्म बाहुबली के बाद VFX के मामले में दूसरी सबसे बड़ी महंगी फिल्म साबित होने वाली है। सितंबर में आ रही है पलटन। निर्देशक JP दत्ता ने फिल्म पलटन की रिलीज की तारीख का ऐलान कर दिया है। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। कई फिल्मों का निर्देशन कर चुके JP दत्ता 12 साल बाद पलटन लेकर आ रहे हैं। शिप्सी और विशेष का हुआ निकाह। इश्क सुभान अल्लाह TV पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीरियल है। सीरियल में शिप्सी राणा और विशेष शर्मा का निकाह हो गया है। सीन कबीर के घर पर शूट हो रहा है। ये सीरियल ZTV पर दिखाया जाएगा। ईशा और हार्दिक की नजदीकियां। हार्दिक पांड्या ईशा गुप्ता के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। दोनों की मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने एक दूसरे के साथ चैटिंग के लिए नंबर भी लिए। दोनों लंच और डिनर का प्लान बेहद सीक्रेट रखते हैं। सूरमा का ट्रेलर लॉन्च। सूरमा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म पूर्व हॉकी प्लेयर संदीप सिंह के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में उनकी जिंदगी के दो पहलू को दिखाया गया है, एक समय जब वो व्हीलचेयर पर थे और दूसरा जब वो हॉकी खेलने के लिए ग्राउंड पर थे। धर्मेंद्र की बायोपिक में सलमान। बॉबी देओल ने कहा, अगर पापा की बायोपिक बनी तो कौन उनका रोल निभा सकता है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि सलमान खान हमारे पापा की तरह कई मामलों में है, तो शायद पापा की बायोपिक में सलमान को ही काम करना चाहिए। कंपैरिजन से नाराज सोनाक्षी। सोनाक्षी ने जब फिल्म दबंग से बॉलीवुड में डेब्यू किया तो लोगों ने उनकी तुलना रीना रॉय से की। कभी रीना और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच काफी करीबी रिश्ते थे, इस बात से सोनाक्षी काफी नाराज हो गई थी। बिना पैन पहने रेस्टोरेंट पहुंची एक्ट्रेस। यामी गौतम की बहन सुरीली जल्द ही फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, जिसकी शूटिंग के लिए सुरीली बहन यामी के साथ सर्बिया गई हैं। उस दौरान यामी अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट गई। इस दौरान उन्हें मामूली सी बात के लिए रेस्टोरेंट से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। दरअसल उन्होंने पैंट नहीं पहनी थी। मुंबई में हुआ फिल्म धड़क का ट्रेलर लॉन्च। मुंबई के जूहू PVR में धड़क का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस अवसर पर जानवी कपूर, ईशान खट्टर, करण जौहर, बोनी कपूर, अनिल कपूर के साथ बॉलीवुड के कई जाने माने चेहरे उपस्थित थे। आइए देखते हैं फिल्म धड़क की एक झलक। एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने इस साल के थाईलैंड वीक का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान दिव्या दत्ता ने बताया कि इंडियन ट्रेडर्स थाईलैंड के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में काफी रुचि रखते हैं। हसीना की कातिल अदाएं।
ब्रिटिश ग्लैमरस मॉडल और टीवी स्टार बियांका बेहद खूबसूरत और हॉट हैं। वो दुबई में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं, जहां से उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं। उनकी तस्वीरों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मायापुरी न्यूज़ रील में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय। देखते रहिए मायापुरी कट।